हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वीडियो फॉर क्लास फिफ्थ चैप्टर सेवन। द चैप्टर नेम इज़ कंडीशनल ब्लॉक्स इन स्क्रैच। तो हम लोग कंडीशनल ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे आज। तो इसके लिए हम लोग स्क्रैच की विंडो ओपन करते हैं। तो मैंने आपको स्क्रैच की विंडो ओपन करना बताया है, तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं। देखिए मेरे कंप्यूटर पे मॉनिटर में, ये देखिए ये यहाँ पे स्क्रैच का आइकन प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया माउस से, ठीक है। और अब हमारी स्क्रैच की विंडो देखिए, स्क्रैच इज़ लोडिंग लिखा हुआ है। ये स्क्रैच की विंडो हमारी ओपन हो रही है, ठीक है। अब आज का देखिए टॉपिक, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लॉक शेप इन स्क्रैच, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए, इधर के ये सारे क्या होते हैं, ये इधर के जो दिख रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे ब्लॉक्स, ये देखिए इधर के ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक। तो आपका सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ हैट ब्लॉक, ठीक है। ये क्या होता है, हैट ब्लॉक आपका इवेंट्स ब्लॉक के अंदर होता है, ठीक। ये देखिए इवेंट्स ब्लॉक में ये आपका होता है हैट ब्लॉक, ठीक है। ये हमेशा टॉप पे रहता है, ठीक है। ये इसको हमेशा हम लोग टॉप पे रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये, और ये स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमको स्क्रिप्ट को एक्टिवेट कराना होता है, रन कराना होता है, तो हम स्क्रिप्ट को हैट ब्लॉक को टॉप पे ऊपर रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा देखिए दिया हुआ है स्टैक ब्लॉक। अब स्टैक ब्लॉक में देखिए क्या दिया हुआ है, स्टैक ब्लॉक आपका होता है साउंड ब्लॉक में। देखिए साउंड ब्लॉक पे क्लिक कर दिए, तो ये देखिए साउंड, इसमें क्या ये इजी होता है कि इसके आप स्टैक कर सकते हैं ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें हम लोग अदर ब्लॉक को स्टैक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको इसको रन कर स्टार्ट करके दिखा रही हूँ स्क्रिप्ट को। ये देखिए आवाज़ आ रही है, ठीक। तो ये भी मोस्ट यूज्ड ब्लॉक है। नेक्स्ट आपका आता है बूलियन ब्लॉक्स, ठीक है। तो बूलियन ब्लॉक्स होता है हमारा, ये बूलियन ब्लॉक्स हमारा होता है ऑपरेटर्स में। तो ये देखिए मैं ऑपरेटर्स पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए ऑपरेटर्स से मैंने क्लिक किया, तो इसमें देखिए बूलियन ब्लॉक्स होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, तो इसमें क्या हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स, कंडीशंस देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैंने दिया, जैसे ये इक्वल टू 50, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 50 इक्वल टू 50 होगा स्टूडेंट्स, मैंने 10 पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए फॉल्स बता रहा है ना। अब मैं यहाँ पे अगर मैं 50 लिखूँ, ये देखिए, तो देखिए क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसमें बुलियन ब्लॉक्स में कंडीशंस दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसी में आता है रिपोर्टर ब्लॉक्स, ठीक है। ये देखिए ये रिपोर्टर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक। अभी देखिए इसमें मैंने यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अगर 20 लिख दिया, 20 प्लस यहाँ पे 10 लिख दिया, देन यहाँ पे क्या इसका रिज़ल्ट ये शो कर देता है, देखिए 30, ठीक है। मैं यहाँ जैसे वैल्यू चेंज करूँगी, ये क्या होगा, यहाँ से वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये देखिए दिख रहा है, डाल देंगे। यानी कि रिपोर्टर्स ब्लॉक क्या करते हैं, वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, हमारा नेक्स्ट है सी ब्लॉक, ठीक है। सी ब्लॉक को और क्या कहते हैं हम लोग, रैप ब्लॉक। तो ये ब्लॉक हमारा होता है कंट्रोल ब्लॉक में, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करता है, स्प्राइट रिपीट करता है मूवमेंट। जैसे मैंने रिपीट ब्लॉक दे दिया, ये देखिए रिपीट ब्लॉक मैं अगर दे दूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमें, मैंने यहाँ पे मोशंस दे दिया रिपीट ब्लॉक के मोशन से, कि ये 10 टाइम्स मूव करे, ठीक। तो ये देखिए, तो फिर ये क्या करेगा, ये देखिए मैं अब इसको मैं रन करा के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए, ठीक, ये देखिए ये 10 टाइम्स ये रिपीट कर रहा है, ये जो आपका स्प्राइट है, ये कैट मैंने स्प्राइट ली है, ये 10 टाइम्स रिपीट करेगा, ठीक है।
ठीक है। अब नेक्स्ट ब्लॉक आपका आता है कैप ब्लॉक, ठीक है। तो ये भी कंट्रोल ब्लॉक में होता है, ये देखिए कैप ब्लॉक यहाँ पे होता है, ये देखिए। यानी कि इस ब्लॉक के बाद आप जो आपकी स्क्रिप्ट है वो डन है, अब आपको आगे स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला आपका ये ब्लॉक है, ठीक है। जनरली हम लोग इसको लास्ट में स्क्रिप्ट के लिखते हैं, ठीक है। तो इन सारे ब्लॉक्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स हम लोग एक स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेंसिंग ब्लॉक्स। तो चलिए सेंसिंग ब्लॉक के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। सेंसिंग ब्लॉक्स में चलिए मैं पहले आपकी बुक में दिया हुआ है पेंगुइन लाने के लिए, तो मैं चलिए सबसे पहले मैं पेंगुइन लाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ से स्प्राइट इन्फो पैन से ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए इस साइड पे मैंने क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। स्प्राइट इन्फो पैन से क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से मैं एक पेंगुइन ले आ रही हूँ, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सारे सारे ही स्प्राइट हैं, ठीक है। और तो स्प्राइट को आपको इसमें आपको जो भी डिज़ायर स्प्राइट है, जो भी आपको स्प्राइट अपने में लेनी है वो आप स्प्राइट ले सकते हैं। इसमें मैं पेंगुइन सर्च कर रही हूँ, पेंगुइन वाला स्प्राइट इसी में है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स पेंगुइन वाला स्प्राइट ये देखिए ये है, ठीक है। मैं इस पे पेंगुइन वाले स्प्राइट पे क्लिक कर दूंगी, तो ये देखिए ये हमारा पेंगुइन हो गया। अब ये कैट है, इस वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है इस वाली स्प्राइट को मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे यहीं पे कॉर्नर पे डिलीट का बटन होता है, डिलीट का उसमें बॉक्स बना होता है, मैं यहीं पे क्लिक कर दूंगी तो ये मेरा स्प्राइट ये गायब हो जाएगा और ये वाला स्प्राइट मैं यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा है, ये मैं क्यों कर रही हूँ आपको सेंसिंग ब्लॉक्स बताने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्लॉक्स को इंसर्ट करेंगे, सॉरी बैकग्राउंड को इसका यानी बैकड्रॉप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बैकड्रॉप के लिए मुझे कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे हमने स्प्राइट सेलेक्ट किया था यहाँ से इसी के जस्ट साइड वाला है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सिंपली, ठीक। अब यहाँ से हमें जो भी लोकेशन अच्छी लग रही है हम उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये आर्कटिक वाला ले लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने इसका बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंसिंग ब्लॉक में। तो देखिए मैंने सेंसिंग ब्लॉक पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखिए लिखा है आस्क व्हाट इज़ योर नेम, इसके बाद में एंड वेट। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लाके यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे पेंगुइन ये क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम, ये देखिए दिख रहा है अब व्हाट इज़ योर नेम, ये देखिए लिख रहा है। अब आपको यहाँ पे जो भी नाम है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, नाम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी ई एन जी यू आई एन पेंगुइन, ठीक है। पेंगुइन लिखने के बाद तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखिए गो बटन पे क्लिक किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ योर नेम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक। अब आप यहाँ पे पेंगुइन लिख दीजिए पी ई एन जी यू आई एन, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेंगुइन लिख दिया है, देखिए देखिए लिखा हुआ है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जैसे इस पे देखिए क्लिक करते हैं ये देखिए चला जा रहा है ना, है ना, आपका शो नहीं हो रहा है। अगर आपको इस पे नेम अपना शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे लुक ब्लॉक पे, ठीक है। तो ये देखिए लुक ब्लॉक पे मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए से हेलो वाला है ये यहाँ पे लिख दिया। अब व्हाट इज़ योर नेम में यहाँ पे आपको कोई भी जो भी नेम देना है, जैसे यहाँ पे मैंने फिर वही पेंगुइन लिख देते हैं एन जी यू, ठीक
ठीक है। देखिए मैंने पेंगुइन लिख दिया फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड की जगह मैं यहाँ पे 4 सेकेंड कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए अब मैं यहाँ पे रन करा रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे पहले तो नेम टाइप करना है, आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कोई भी नेम दे दिया है। ठीक है यहाँ पे मैंने ये दे दिया, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए पेंगुइन आ रहा है लिख करके, ठीक। तो इस टाइप से 4 सेकेंड के लिए आया है स्टूडेंट्स ये, इतना उस 4 सेकेंड के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 सेकेंड दिया था तो इसलिए 4 सेकेंड के लिए आया। तो यहाँ पे नेम आएगा, अगर मैं यहाँ टाइमिंग बढ़ा दूंगी तो ये आगे बढ़ करके आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप लोग ये लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ओके थैंक यू।